यूं तो आस्था के अनेक रूप होते हैं और ईश्वर कई रूपों में इस ब्रह्मांड में विराजमान है। भगवान कब किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे दे, इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ के शहादतगंज स्थित नीतू नाम की महिला से लिया जा सकता है, जहां साक्षात भोले ने उस समय नीतू को दर्शन दे आश्चर्यचकित कर दिया जब वह सब्जी बनाने के लिए आलू छील रही थी। और जैसे ही एक आलू का छिलका नीतू ने उतारा तो आलू में भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह ओम को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। और इस बात की जानकारी जैसे जैसे लोगों को होती गई, उनके घर पर भोले के भक्तों का तांता लग गया। कण-कण में भगवान होते हैं, ऐसा अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि ईश्वर के एक नहीं अनेकों रूप हैं, इस ब्रह्मांड में अनेकों रूप में विराजमान है। बस ये अपनी अपनी आस्था का विषय है कि हम ईश्वर की आराधना किस रूप में करते हैं। कोई सजदे में ईश्वर को देखता है, कोई पत्थर में भगवान को तलाशता है, तो कोई गिरजाघर, चर्च या गुरुद्वारे में भगवान को ढूंढता है। मगर लखनऊ के शहादतगंज में एक ऐसा परिवार है जिसकी मुखिया नीतू को आलू में साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दे आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान शिव में अगाध आस्था रखने वाली नीतू बताती हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि साक्षात भगवान शिव उन्हें इस रूप में दर्शन देंगे। कल-कल में भगवान, आस्था के यूं तो कई रूप देखे चले जाते हैं। प्राचीन काल से भी ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं जिसमें भगवान के अनेकों रूप देखने को मिले हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ पुराने लखनऊ के शहादतगंज इलाके में, उस घर में जहाँ पर भगवान का एक रूप आलू में प्रकट होते हुए देखा गया। यानी कि आलू में, जब इस परिवार के लोगों ने आलू सब्जी बनाने के लिए जैसे काटा जाता है, छीला जाता है, तो जैसे ही आलू को छीला, आलू के अंदर ओम का एक प्रतीक चिन्ह स्पष्ट नज़र आया और देखने से लग रहा था कि भगवान मानो कि आलू में उस रूप में प्रकट हो गए। मैं बात करूँगा यहाँ पर उस परिवार से, उस घर में जहाँ पर ये घटना घटी है। आस्था का एक रूप ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस परिवार की मुखिया नीतू हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन। बताइए नीतू जी, जब आप सब्जी बनाने के लिए आलू आपने छीला तो क्या देखा? जब हम सब्जी बनाने के लिए आलू छीले तो उस समय हमको लगा कि ओम की आकृति नजर आई, तो हमने अपने देवर से कहा जो यहाँ पर खड़े हैं, हमने इन्हीं से कहा कि देखो विनीत, ये ओम लग रहा है हमको, तो पूरा नजर आ रहा है, तुम देखो ओम लग रहा। तो ये कहने भाभी सेम ओम है, ये तो ओम है। तो हमें ये आज सोमवार का दिन है और भगवान ने हमको ये साक्षात दर्शन दिए हैं उसके, तो हमको इस बात की बहुत खुशी हुई। हमने अपने सासू माँ से कहा कि मम्मी ये ओम हमको नज़र आ रहा है और हम इसे इस आलू को हम भगवान के रूप में मान रहे हैं, इसे हम काटेंगे नहीं। अभी जो ये पखवाड़ा चल रहा है, बड़ा मंगल एक निकल गया है और आने वाला है, और हनुमान जी को शिव जी का भक्त भी कहा जाता है, तो क्या लगता है कि ये जो जिस रूप में शिव जी ने आपको दर्शन दिए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? शिव जी के तो हम बहुत पहले से भक्त थे, लेकिन हमको लगा कि भगवान ने हमको स्वयं इसलिए दर्शन दिए कि हमको चाहते थे कि इन्हीं के घर में ये आलू जाए, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आलू खरीदे होंगे, लेकिन भगवान हम ही को दर्शन देने चाहते थे, इसीलिए हम ही को आलू, हमारे घर में आलू आया और हमें ने दर्शन पहले, तो इसलिए हम भगवान से ये दुआ करते हैं, भगवान ऐसे दर्शन सबके घर में दीजिए, सिर्फ मेरे घर में नहीं सबके घर में दर्शन ऐसे करिए। जब आपने शिव जी का वो रूप आलू के रूप में देखा तो क्या मनोकामना आपकी थी शिव जी से? यही थी, सब खुश रहें, सबके घर परिवार अच्छा बना रहे, सब कुछ अच्छे रहें, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए हम दुआ करते हैं। नीतू कहती हैं कि जब उन्होंने आलू छीला और आलू में स्पष्ट रूप से उन्होंने ओम की आकृति बनती देखी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें लग रहा था कि भगवान शिव उन्हें साक्षात दर्शन दे उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दिए हों। इस घटना ने एक बार फिर लोगों के दिलों में भगवान की आस्था की प्रकाष्ठा को बढ़ा दिया है। और सच भी यही है कि भगवान कब किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन करा दें, और यही वह जवाब है कि इस ब्रह्मांड में अपने अनेकों रूप में मौजूद है और ये संसार इसी आस्था पर आज भी संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्कार न्यूज़, लखनऊ।